हमारी संस्कृति में शादी एक बड़ा ही सुखद एहसास होता है। यूं तो ये दो लोगों के बीच का संबंध होता है जो सातों जन्मों के लिए बन जाता है। ये एक ऐसा पवित्र संबंध होता है जो दो आत्माओं का मिलन माना जाता है। लेकिन अक्सर शादी की एक्साइटमेंट में ज़्यादातर टाइम एक दूसरे को जानने में ही निकल जाता है और फिर जोड़े अपने रोमांस में ही खो जाते हैं। इस दौरान वह भूल जाते हैं कि शादी का मतलब सिर्फ सहवास ही नहीं होता, बल्कि और भी कई चीज़ें हैं जो सहवास से भी ज़्यादा ज़रूरी है। एक अच्छा रिश्ता उन चीज़ों के बिना नहीं पनप सकता जिन्हें हम अपने रोमांस के चक्कर में भूल जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर ऐसे कौन से रिश्ते हैं जिन्हें हम भूल जाते हैं। शादीशुदा कपल की जिंदगी में सास ससुर का बहुत ही अहम रोल होता है और खुद इन लॉज भी अपने बहू बेटे की लाइफ का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन कई बार इसे दखलंदाजी मान लिया जाता है। लेकिन अगर आप सही तरह से चीज़ों को मैनेज करेंगे तो ये सास ससुर के लिए भी बहुत अच्छा होगा और सास ससुर भी इस रिश्ते को समझेंगे तो रिश्तों को निभाने में आसानी होगी। बात दोनों तरफ से बने तो और भी अच्छा होता है। आप मानो या ना मानो, लेकिन हर शादीशुदा कपल को इस सवाल से भी दो चार होना पड़ता है। घर में कोई भी आए तो बस यही सवाल दाग दिया जाता है, बच्चे कब हो रहे हैं बेटा? अरे ये भी कोई बात हुई, शादी हुई नहीं कि बच्चों का राग अलाप जाना शुरू हो गया। घर के बड़े बुजुर्ग भी एक नन्हे मुन्ने का सपना संजो लेते हैं, लेकिन लोगों को ये समझने की जरूरत है कि बेबी प्लान करना या ना करना ये फैसला सिर्फ और सिर्फ कपल पर निर्भर करता है। वे चाहते तो बिना बच्चों की जिंदगी जी सकते हैं, लेकिन फिर उसके साथ उन्हें उन बातों का के लिए भी तैयार रहना होगा जो शायद इस फैसले की वजह से उन्हें सुननी पड़ सकती है। फर्ज कीजिए कि यदि आप शाकाहारी हैं और आपका पति मांसाहारी, अब शादी से पहले तो इन सब चीज़ से भले ही फर्क ना पड़ो, लेकिन शादी के बाद खान पान से भी सारी दुनिया बदल सी जाती है। जैसे एक ही टेबल पर बैठकर शाकाहारी और मांसाहारी भोज्य पदार्थों को खाना, कई बार आप चाहकर भी साथ में खा नहीं पाते लेकिन आपको वह करना पड़ता है। पर परेशान ना हो, धीरे धीरे खुद को ढालें, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। वहीं भारत में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं और धर्म के लोगों के धार्मिक विचार भी अलग होते हैं, यहाँ तक कि एक धर्म के लोग के विचार भी अलग अलग हो सकते हैं। अगर आपके पार्टनर के धार्मिक विचार और विश्वास आपसे बिल्कुल अलग हैं तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपने और उसके विचारों को आप प्राइवेसी दें और अपने विचार अपने पार्टनर पर थोपने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आने वाले समय में आपके घरेलू रिश्ते में लड़ाई पनपा सकता है। तो ये थे वो कारण जिस वजह से आप अगर ये सोचते हैं कि इनसे बचा जाए और या इन्हें भूल दिया जाए तो ये आगे आने वाले समय में आपके दाम्पत्य जीवन के लिए खतरा बन सकते हैं। क्यूरियन हेल्थ एक्स की रिपोर्ट।